अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल काला मिरी गोश्त। ये बहुत टेस्टी बनता है। उसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो गोश्त, मुट्ठी भर पुदीना, मुट्ठी भर कोथमीर, ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें साजीरा है, एक तेज पत्ता है, एक दालचीनी है, दो लौंग है, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची है। इसमें है तीन मिर्ची, आप तेज़ के हिसाब से ले सकते हो। चार टमाटर कटे हुए हैं, काला मिरी पाउडर है, नमक है, घी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये होममेड घर का गरम मसाला पिसा हुआ है, आप चाहिए तो बाहर का पिसा हुआ गरम मसाला भी ले सकते हैं। और 150 ग्राम दही लगेगा हमें। इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। आइए देखते हैं कैसे बनता है ये ईद स्पेशल काला मिर्च वाला गोश्त। हम इसमें डालेंगे काला मिर्च 1.5 चम्मच, फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट अभी भी यूज होएगा और बाद में भी यूज में आएगा, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे दही, 150 ग्राम दही डालेंगे। इसके बाद डालेंगे जो टमाटर हमने बारीक कटे हुए थे वो, नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। होममेड गरम मसाला पिसा हुआ है, ये डालेंगे हम। और 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर डालेंगे हम इसमें, ठीक है। उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से हम गोश्त पर लगा देंगे इस तरीके से। इसे कोई खारा गोश्त बोलता है, कोई काला मिर्च वाला गोश्त बोलता है, आपको जो पसंद हो नाम रख सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से हमने सारा मसाला गोश्त पर लगा दिया है। इसे आधे एक घंटे के लिए रख दीजिए, इसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। एक बर्तन में हम 3 टेबलस्पून घी लेंगे, जैसे घी गरम हो जाएगा इसमें अखे गरम मसाले डालेंगे हम। इसको थोड़ा कड़कड़ाएंगे, इस तरीके से कड़कड़ाएंगे हम। स्टॉप, शाहजीरा डालेंगे हम इसमें, जैसे ही हमारा गरम मसाला कड़कड़ाने लगे इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये अदरक लहसुन के पेस्ट में हमने मिर्ची भी साथ में पीसा है, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कितना डालना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही अदरक लहसुन हमारा भूनने लगे उसकी स्मेल जाने तक के हमको भूनना है, और जैसे ही भून जाए इसलिए हम जो हमने मैरिनेट करके रखे थे मटन को वो डालेंगे। फिर ये हमारा अदरक लहसुन भून चुका है, अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे, मटन डालेंगे सॉरी। इसमें अच्छे से भून लेंगे गोश्त को, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, खुद अपना पानी छोड़ेगा। दही है उसमें, टमाटो है,
मटन अपना पानी कुछ छोड़ेगा, उसी में हमें मटन को पकाना है। अच्छे तरीके से भून लेंगे इसको। इसमें जोश आना शुरू हो गया है, जैसे अच्छा जोश आ जाएगा ना उसे ढक देंगे हम, ताकि टमाटोज भी सब नरम हो जाएगा इसका और गोश भी गल जाएगा इंशाल्लाह से। ठीक है, ये देखिए इसमें जोश आ चुका है, अब इसे हम ढक देंगे मटन को गलने तक के। स्लो आंच, इसे स्लो आंच पे रखना है, ठीक है, मीडियम स्लो आंच। देखिए 10 मिनट के बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह, ज़रूर बोलिए कितना प्यारा कलर लग रहा है। देखिए गोश अभी गला नहीं है, इसे फिर से हम ढक देंगे और फिर 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। पानी भी अभी माशाल्लाह बहुत है जिसमें गोश गल सकता है, एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गोश दही और टमाटो का ही पानी है। देखिए तकरीबन आधे घंटे बाद हम फिर से खोल रहे हैं इसे, और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गोश रेडी हो गया है, मतलब गल चुका है ये। ठीक है, अब इसमें हम क्या डालेंगे, जो हमने पुदीना और कोथमीर बारीक कटा हुआ था वो उसमें डालेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने डाल दिए हैं, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ग्रेवी आप आपके हिसाब से रखिए, जितनी आप चाहते हो, सूखा चाहते हो तो और सुखा सकते हो उसे फास्ट करके स्टोव, वरना ये इतना बराबर है। ठीक है, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, पराठों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है, ये देखिए हमारा गर्मा गर्म खारा गोश रेडी है, माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।